हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, खुद सीएम सुक्खू बन गए हैं। दरअसल क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्री हमारे कह रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस की हुई बड़ी बड़ी में जो क्रॉस वोटिंग है, वो छह विधायकों ने शर्त रख दी है कि अगर पार्टी आलाकमान सीएम पद का चेहरा बदल दे तो पार्टी में वापस आ जाएंगे। इन छह बागी विधायकों के अलावा 20 और कांग्रेस के विधायक हैं जो शीर्ष नेताओं के सामने यही मांग रख रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता भी अब सीएम सुक्खू को लेकर मंथन करने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत बुरे हालात कांग्रेस के लिए हो गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम जिस वक्त मुख्यमंत्री के लिए आया था, उस वक्त भी हमने देखा था कि समर्थन मिलने के बाद भी यहां पर किस तरीके से हमने बवाल देखा था, और एक बार फिर से विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं। कांग्रेस के बागी विधायकों की शर्त ने कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, शुरू कहां से हुआ, समझा देते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। एक एक लाइन में समझाते हैं कि कैसे ये चीजें सामने आ रही है। नाराज विधायकों को अपने पाले में वापस लाने के लिए कांग्रेस आलाकमान मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी शर्त है बागी विधायकों की। लेकिन इतने बड़े फैसले से पहले कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सभी नाराज विधायकों से संपर्क करके आश्वस्त हो जाना चाहता है कि यही वजह है या कुछ और। इसके बाद जो अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से चर्चा करके अंतिम फैसला लेंगे। कांग्रेस के मुताबिक विधायकों की नाराजगी सीएम सुक्खू से है, पार्टी से नहीं है, और इसीलिए जब नाराज विधायक हरियाणा के पंचकुला में मौजूद थे तब कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से संपर्क किया है, हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा। इसके साथ ही हरियाणा के नेता और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और डीके शिवकुमार और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इनके संपर्क में हैं। अगर कांग्रेस के बागी विधायक मना लिए गए तो मुख्यमंत्री बदलने की सूरत में नए सीएम के विश्वास मत हासिल करने तक कांग्रेस विधायकों को एक जगह रखने का बंदोबस्त कर सकती है, यानी कि बाड़े बंदी करेगी ताकि कोई छिटके नहीं। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों में शामिल राजेंद्र राणा जब पंचकुला में मौजूद थे तब हमने, यानी कि न्यूज 18 इंडिया ने उनसे खास बातचीत की। पहले राजेंद्र राणा का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की खबरें बताते हैं इससे जुड़ी। क्या कहेंगे आप पंचकुला हैं, चर्चाएं हो रही थी, बताइए आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं या छोड़ दिए? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी कांग्रेस में है? बिल्कुल कांग्रेस में। क्रॉस वोटिंग के तो की है कुछ विधायकों ने? देखिए क्रॉस वोटिंग पहले भी होती है ही है, ये अभी भी हिमाचल में भी हुई है, गुजरात में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, हरियाणा में भी हुई, हर जगह होती है। आपने किसको वोट किया? वोट सीक्रेट होता है, वोट बताया नहीं जाता है किसको दिया है। पार्टी लाइन तो क्योंकि कांग्रेस को वोट नहीं किया। देखिए वोट किसको दिया है किसको नहीं है ये कांग्रेस तो, को नहीं दिया, ये तो सीक्रेट होता है, ये तो सीक्रेट होता है, वोट थोड़ी बताया जाता है किसी को किसको दिया है। पर भाजपा के एक विधायक आपको लेके जा रहे हैं, भाजपा के कुछ विधायक हिमाचल के साथ थे। हमारी अपनी पर्सनल मीटिंग है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन के साथ? फ्लो टेस्ट होगा राजेंद्र जी? अभी कुछ नहीं कह सकते। सुन लिया आपने, नाराज विधायक राजेंद्र राणा ये थे जिनको आप सुन रहे थे। इधर राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी विधायकों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक खुद को कांग्रेस में कहते थे वो आज बीजेपी के हो गए। वहीं सरकार पर खतरे के सवाल पर सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ऐसी सियासी धोखेबाजी की आदि नहीं है। सुनिए जरा सीएम क्या कह रहे हैं। तक कसमें जो लोग खाते थे सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया, तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं
अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदि नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। जैसे कहा कि हिमाचल की जो परंपरा रही सुखविंदर सिंह सुक्खू उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो वहीं उतने चिंतित भी हैं क्योंकि उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सभी विधायकों ने। लेकिन राज्यसभा चुनाव के नतीजे आपको बता देते हैं, कल हुआ क्या। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन ने बाजी मार ली, जबकि बीजेपी की सरकार तक नहीं है वहां पर। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ गया, जबकि कांग्रेस की सरकार है। किस्मत ने हर्ष महाजन का साथ दे दिया, कैसे दोनों नेताओं को 34-34 वोट मिल जाते हैं, यानी कि टाई हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, पर्ची लकी ड्रॉ खोला जाता है और जिसमें नाम आ जाता है पर्ची में हर्ष महाजन का। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 68, जिसमें बहुमत के लिए आपको चाहिए 35 वोट, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिल गए, जिसके बाद उनकी हार जीत का फैसला पर्ची पर लिखे नाम के जरिए किया गया। इसके साथ ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में असंभव सी दिखने वाली जीत को भी हकीकत में तब्दील कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कौन जीता, किसकी वजह से जीता, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके आंकड़े हैं, हर्ष महाजन जीत जाते हैं, 34 वोट मिले, 34 ही अभिषेक मनु सिंघवी को मिले, 25 तो हैं बीजेपी के, लेकिन 6 ने कर दी क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के और 3 निर्दलीय भी आ गए, तो इस तरीके से इनके पास 34 हो गए। अब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो देखिए, उनके पास में 34 वोट तो आए, 40 के 40 वोट यूं तो आने चाहिए थे जो परंपरा रहती है राज्यसभा के चुनाव में अगर आपकी सरकार है राज्य के अंदर, लेकिन यहां 6 जो वोट हैं वो हो गई क्रॉस वोटिंग और इसी में अभिषेक मनु सिंघवी हार जाते हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। हर्ष महाजन कल जो जीत जाते हैं बीजेपी के उम्मीदवार, 25 तो हैं बीजेपी के विधायक तो ये तो मिल नहीं थे, 6 ये विधायक हैं ये क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, ये होते हैं कांग्रेस के विधायक, और 3 निर्दलीय होते हैं ये भी क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, और इसी तरीके से इनका आंकड़ा 34 पहुंच जाता है। अब आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी पर, जिनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी चुनाव से पहले क्योंकि सरकार इन्हीं की है, लेकिन ये हार जाते हैं कैसे। 40 इनको मिलने चाहिए थे परंपरागत तौर पर, लेकिन ये नहीं मिले क्योंकि इसमें से 6 वोट जो हैं क्रॉस वोटिंग करके उधर चले जाते हैं और इनके पास भी 34 आते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, पर्ची खोली जाती है और पर्ची खोली गई तो पर्ची में नाम निकल गया बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन का और इनका कमल खिल गया और जो जीत असंभव थी इनके लिए वो जीत इनके लिए तय हो गई। तो ये हमने आपको आंकड़ा बताया, लेकिन अपनी जीत पर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायक सीएम सुक्खू से नाराज थे, उन्होंने बोलकर क्रॉस वोटिंग किया। हर्ष महाजन ने कहा कि उनकी जीत उनकी पार्टी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है।